लोक सेवा आयोग की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, प्रेस नोट जारी हुआ है। क्या है उसमें पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 जुलाई को जो है माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर JMS राणा की अध्यक्षता में माननीय आयोग की बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में आयोग की कार्य प्रणाली निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं उत्कृष्टता को और अधिक सुदृढ़ किए जाने के संबंध में जो है यहाँ पर निर्णय लिए गए। कौन से निर्णय है? उक्त निर्णय में आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की अभ्यर्थियों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक प्रभावी जो है सिस्टम विकसित किए जाने का निर्णय लिया। यानी कि जो भी स्टेजेस होंगे एग्जामिनेशन के उनको अवगत जो है सभी अभ्यर्थियों को किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अभी तक पता है आपको कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है किसी भी अभ्यर्थी को अपने मार्क्स जानने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी संबंध में युवा संवाद एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के संबंधित अधिकारियों से जो है आप देख सकते हैं समन्वय स्थापित करके आयोग की कार्य प्रणाली विशेष रूप से ऑनलाइन आयोजन करने की प्रक्रिया एवं यहां पर आप देख सकते हैं विभिन्न शर्तों निर्देशों आदि के संबंध में अभ्यर्थियों को जागरूकता फैलाने के लिए और प्रचार प्रसार करने हेतु कार्यशाला वर्कशॉप चलाए जाने का निर्णय लिया। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, क्या आयोग के टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, क्या आयोग की नियमावली होती है, उसके तहत जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से वर्कशॉप करने का जो है यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं DCP के आयोजन के लिए समयबद्ध एवं पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने तथा सीधी भर्ती के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु तंत्र विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 16 अगस्त 2023 से राज्य सरकार द्वारा हरेला पर्व को धूमधाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में आयोग की भागीदारी को सुनिश्चित किए जाने हेतु आयोग के कार्यालय एवं आवासीय परीक्षण में वृक्षारोपण के साथ साथ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जो है यहाँ पर संचालित किया जाएगा। गिरधारी सिंह रावत सचिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरेला 16 अगस्त है, आई थिंक यहाँ पर इन्होंने गलत डाल दी है डेट, वो आपकी जो है 16 जुलाई को है। बाकी देखते हैं अब इस मीटिंग में जो जो तमाम चीज़ें उठी हैं क्या वाकई में वो धरातल पे उतर पाती हैं या नहीं उतर पाती हैं, ये भी एक बड़ा जो है निर्णय रहेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।